Assalamualaikum and hello everyone, welcome back to my channel. कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे. आज मैं शुगर डोनट्स की रेसिपी लाई हूँ. ये बहुत सॉफ्ट और फ्लफ़ी डोनट्स हैं. तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और भी बहुत सारी आने वाली रेसिपीज़ के लिए. तो अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले एक बॉक्स में चीनी डाली है और उसमें डाल दिया है दालचीनी का पाउडर. इनको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें. ये है डोनट्स की कोटिंग जो हम लास्ट में डोनट्स के ऊपर करेंगे. अगर आपको दालचीनी का फ्लेवर ज़्यादा पसंद है तो आप 3 टेबलस्पून भी इसमें डाल सकते हैं. दूसरी चीज़ जो हमें इसमें चाहिए वो है डोनट्स के लिए डो. इसकी रेसिपी मैं लास्ट वीडियो में दे चुकी हूँ. उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. बहुत डिटेल में मैंने ये रेसिपी दी है. आप लिंक को चेक कीजिएगा और ऊपर आई बटन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा. अब मैं एक वर्किंग बोर्ड पे डो को रोल कर रही हूँ इसमें से इसके पोर्शंस काटने के लिए. मैंने पूरे डो में से 12 पोर्शंस बनाए हैं, लेकिन आप इसमें 15 से 16 पोर्शंस भी बना सकते हैं. जो मैंने डोनट्स बनाए हैं इनका साइज़ कुछ बड़ा है. अगर आप मीडियम साइज़ में बनाना चाहें तो आप आटे को 15 से 16 पोर्शंस में भी काट सकते हैं. अब ये पोर्शंस बन चुके हैं. अब मैं हर एक पोर्शन उठाऊंगी और उसमें से डोनट्स बनाऊंगी. अब मैं ये यहाँ पे आटे के हर पोर्शन को उठा के इसको रोल कर रही हूँ. मैंने कुछ पोर्शंस ऐसे लंबे से रोल कर लिए हैं और अब इसमें सबसे पहले मैं पहला शेप बना रही हूँ, ट्विस्टर. आप इसको देखें, मैंने इसको लंबा सा रोल किया है और फिर मैंने इसको आधे हिस्से में मोड़ दिया और फिर हर हिस्से को एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट कर रही हूँ. और जो ऊपर का हिस्सा है उसको भी मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करके और लास्ट हिस्से को जो है मैं पिंच कर रही हूँ ताकि आखिरी हिस्सा जो है आपस में अच्छी तरह से जुड़ जाए. आप इस वीडियो में देखें, आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा. अब मैं दूसरा शेप बना रही हूँ. इसके लिए भी मैंने आटे के एक पोर्शन को एक से लंबा सा रोल कर लिया और उसमें से 3 हिस्से काट लिए और हर हिस्से को थोड़ा थोड़ा सा रोल कर रही हूँ ताकि और ये लंबा हो जाए. फिर हर हिस्से को मैं एक कोने से आपस में जोड़ रही हूँ ऐसे पिंच करके, और इसकी जो शेप बनेगी ये बिल्कुल हम वैसे बनाएंगे जैसे लेडीज़ चोटी बनाती हैं या चुटिया बनाती हैं, बिल्कुल इस तरह से. और फिर जो आखिर में हिस्सा है इसको भी ऐसे हम पिंच कर देंगे ताकि आपस में जुड़ जाए. तीसरा शेप मैं बना रही हूँ फ्लावर. इसके लिए मैंने इसका बिल्कुल वैसे जैसे हम रोटी बनाते हैं उसके लिए हम पेड़ा बनाते हैं वैसा ही मैंने बनाया और उसको हाथ की मदद से थोड़ा प्रेस कर लिया. अब मैं इस पे ये नाइफ से इसको कट्स लगा रही हूँ. बीच में से इसको कट्स नहीं आने चाहिए और हर एक हिस्से को ऊपर से मैं इसे पिंच कर रही हूँ. पिंच सही से करना है ताकि शेप जो है वो सही से बन जाए. ये 5 फ्लावर्स के पेटल्स बन गए हैं. ये पेटल्स का शेप बन चुका है और ये फ्लावर शेप तैयार है. चौथा शेप जो मैं बना रही हूँ इसके लिए भी मैंने आटे के पोर्शंस को रोल किया है, लेकिन ज़्यादा लंबा नहीं. ये थिक भी हैं और छोटे भी हैं. अब इनको मैं नॉट की तरह बना रही हूँ, बिल्कुल जैसे हम नॉट बांधते हैं उसी तरह से ही हमें इसे
बनाना है। मैं दूसरी बार भी इसको बनाऊंगी ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। ये बहुत आसान है बनाना, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और पांचवा शेप मैं बना रही हूँ ट्विस्टर बैंड। इसके लिए भी मैंने आटे के पोर्शन को लंबा सा रोल कर दिया है और अब मैं इसका एक लूप बना रही हूँ। आप इस वीडियो को गौर से देखें, ये बहुत आसान है बनाना। बस जहाँ पे कोने आपस में मिल जाते हैं उनको आपस में सही से पिंच करना ज़रूरी है, वरना ऐसे शेप जो है वो खुल सकता है। ये फिर से मैं दूसरी बार बना रही हूँ। ये पहला लूप है और इस तरह से हर एक नीचे के हिस्से को ट्विस्ट कर देना है उस लूप के अंदर। ये लंबा सा हिस्सा जो है उस लूप के अंदर ट्विस्ट कर देना है और आखिरी जो हिस्सा बचता है उनको आपस में पिंच कर लें तो ये शेप बन जाएगी। अब ये सारे शेप्स बन गए हैं, अब हम इनको ढक के रख देंगे तब तक जब तक इनका साइज डबल हो जाए। इसके लिए 30 मिनट या 40 मिनट लग सकते हैं। तकरीबन 30 मिनट के बाद इनकी शेप जो है वो देखें आप कितना ये बड़ा हो गया है। इनकी शेप बहुत बड़ी हो चुकी है और अब ये फ्राई करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए आपको पहले ऑयल को मीडियम हीट पे गरम करना होगा, उसके बाद इसमें ये डोनट्स डालने होंगे ऑयल में और इनको मीडियम हीट पे ही पकाना है। इनको बहुत ध्यान में रखना है, कहीं आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी पकते हैं। ये सेकंड्स में इनका कलर चेंज हो जाता है। इनको पूरा पकने में ज़्यादा से ज़्यादा भी 2 या 3 मिनट लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। बस इनको बहुत अच्छा ये ब्राउन कलर देना है, इससे ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना है। और इस तरह से मैंने बाकी डोनट्स भी ऑयल में डाल के फ्राई कर लिए। ये बहुत एहतियात से फ्राई करने हैं। जब आप फ्राई करें तो आप वहीं पे खड़े रहिएगा, इनको अलटते पलटते रहिएगा, वरना ऐसे ये जल सकते हैं। और मीडियम हीट पे ही पकाना है, कम हीट करेंगे तो ये सही से नहीं बनेंगे या ज़्यादा तेज़ हीट इनको जला देगी। अब ये डोनट्स जो हैं ये अभी गर्म ही हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म भी नहीं हैं, मैं इनको हाथों से उठा पा रही हूँ। जब ये गर्म ही हो तो इनको इस चीनी में कोट करना है। चीनी जो है ये बहुत ज़्यादा फाइन चीनी आपको लेनी है, मोटी वाली चीनी नहीं लेनी, और उसी में ही ये डोनट्स जो हैं वो कोट करने हैं। या फिर अगर आप ऐसे बॉक्स में डालते हैं जिसका ढक्कन आप सही से बंद कर पा रहे हो तो उनको आप इस चीनी में डाल के आप उस बॉक्स में अच्छी तरह से मिक्स भी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से ये शुगर में कोट हो जाते हैं। इस तरह से मैंने सब डोनट्स को शुगर में कोट कर दिया। इसके ऊपर सिनेमन का जायका बहुत मज़े का आता है। और अब ये बिल्कुल तैयार हैं। बच्चों को तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बनाने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, शेप्स भी बहुत आसान हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और भी बहुत सारी आने वाली रेसिपीज़ के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।